इस वक्त चुनावी चंदे की बात हो रही है, क्योंकि अब पता चल चुका है कि किसने कितना राजनेताओं को चंदा दिया। लेकिन इसमें एक ऐसा नाम सामने आया जिसके चंदा देने पर सवाल उठे कि क्या उसने खुद चंदा दिया या उससे डराकर चंदा लिया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियों को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया है। जैसे ही ये लिस्ट पब्लिक हुई, कई नामों की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है फ्यूचर गेमिंग कंपनी की। इस कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच सबसे ज्यादा 1368 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे हैं। अब सवाल है कि इस कंपनी को चलाता कौन है। तो उसका नाम है सेंटियागो मार्टिन। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज को सेंटियागो मार्टिन नाम का एक शख्स चलाता है। मार्टिन को लॉटरी किंग के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल मई 2023 में मार्टिन की 457 करोड़ की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अटैच किया था। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था। ये मामला सीबीआई के एक आरोप पत्र से उजागर हुआ था, यानी सामने आया था। इस आरोप पत्र के मुताबिक सेंटियागो मार्टिन फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाता है। आरोप पत्र में लिखा गया था कि वर्तमान में इस कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और पहले इस कंपनी का नाम था मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड। यहां इतना तो पता चल गया कि ये कंपनी सेंटियागो मार्टिन ही चलाता है। खैर, जब से ये बात सामने आई है, जब से ये सवाल उठ रहे हैं कि फ्यूचर गेमिंग की 409 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अटैच किया और 5 दिन बाद ही 7 अप्रैल 2022 को सेंटियागो मार्टिन की कंपनी ने 1000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। लेकिन आखिर ये क्यों हुआ, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हुए कि आखिर क्यों ईडी के छापे के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। क्या सेंटियागो मार्टिन पर किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का दबाव बनाया था? क्या ईडी के छापे के डर के मारे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए? इलेक्टोरल बॉन्ड से सेंटियागो मार्टिन ने राजनीतिक दलों की लॉटरी आखिर क्यों लगा दी? ये ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ईडी के मुताबिक लॉटरी किंग पर लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के उल्लंघन का आरोप था। आरोप लगा कि मार्टिन ने सिक्किम सरकार को धोखा देकर गलत तरीके से लाभ उठाया और आपराधिक साजिश रची। ऐसे आरोप लगे कि साजिश रची गई केरल में। इसके बाद कोयम्बटूर और चेन्नई में उसके परिवार के सदस्यों और कंपनी के ठिकानों पर छापा मारा गया। ईडी ने 22 जुलाई 2019 को अपने एक बयान में कहा कि मार्टिन और उसकी सहयोगी कंपनियों ने 1 अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2010 की अवधि तक लॉटरी टिकटों के दावों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर गैर कानूनी लाभ कमाया और इससे सिक्किम सरकार को 910 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जिसके बाद 2019 में इस केस की जांच शुरू हुई। ईडी ने जुलाई 2019 में कंपनी के 250 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया। 2 अप्रैल 2022 को भी 409 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया। फिर 15 मई 2023 को ईडी ने मार्टिन की कंपनी से 457 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज कर दिया। अब जरा तारीखों पर आप गौर करिएगा। 2 अप्रैल 2022 को 409 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अटैच कर दिया जाता है और 5 दिन बाद यानी 7 अप्रैल 2022 को कंपनी 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद डालती है, जो कई सवाल और शक पैदा करती है। इसके अलावा 2019 में केस की जांच शुरू हुई। आरोप पहले से लग रहे थे। कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, जिसके बाद ईडी की भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी बॉन्ड खरीदे जाते रहे, उसके बाद ईडी की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब बॉन्ड नहीं खरीदे जा रहे थे, तब ईडी कार्रवाई कर रही थी। खैर, अब आपको मार्टिन फाउंडेशन सेंटियागो मार्टिन के बारे में भी बताते हैं। दरअसल मार्टिन फाउंडेशन के मुताबिक सेंटियागो मार्टिन म्यांमार के यांगून में एक मजदूर था। 1988 में वो भारत लौटा और तमिलनाडु में अपना लॉटरी का बिजनेस शुरू किया। बाद में उसने इसका विस्तार केरल और कर्नाटक में किया। पूर्वोत्तर में मार्टिन ने लॉटरी के सरकारी प्रोजेक्ट को संभाला। इसके बाद उसने भूटान और नेपाल में भी संस्थाएं शुरू की। सेंटियागो मार्टिन ने अपना बिजनेस विदेशों तक फैलाया। उसने मैन्युफैक्चर, रियल एस्टेट, कपड़ा और हॉस्पिटैलिटी सहित कई अन्य व्यवसायों में भी हाथ आजमाया। फिलहाल सेंटियागो मार्टिन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड एंड
अलाइड इंडस्ट्री का अध्यक्ष है। ये एक ऐसा संगठन है जो लॉटरी बिजनेस के विस्तार और उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए काम करता है। फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और स्पोर्ट्स सट्टेबाजी के क्षेत्र में काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के मुताबिक इस कंपनी की शुरुआत 30 दिसंबर 1991 को हुई। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 50 करोड़ है और पेड अप कैपिटल है 10,07,14,000 रुपए। खैर, मार्टिन का बिजनेस लॉटरी तक सीमित नहीं रहा। उसका बिजनेस कोयम्बटूर के पास मार्टिन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज यानी अस्पताल से लेकर एक टीवी चैनल जिसका नाम एसएस म्यूजिक तक फैला है। इसके अलावा एमएनसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, मार्टिन नंथावनम अपार्टमेंट और लीमा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड भी मार्टिन ही चलाता है। यानी ये समझा जा सकता है कि उसका कारोबार कितना बड़ा है। इतना ही नहीं, डीएमके पार्टी से 2011 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि थे। उन्होंने एक फिल्म लिखी जिसका नाम था इलाई गनन। ये उनका 75वां स्क्रीन प्ले था जो मैक्सिम गोर्की की द मदर पर आधारित था। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे सेंटियागो मार्टिन। मार्टिन ने फिल्म में 20 करोड़ रुपए लगाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में जब AIADMK की सरकार बनी तो मार्टिन के लिए बुरा वक्त आया। मार्टिन को भूमि कब्जा करने के आरोप और गुंडा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ डीएमके के सैकड़ों नेताओं और समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने माफिया नेताओं पर कार्रवाई शुरू की थी। बाद में मार्टिन को मद्रास हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। यानी नेताओं से मार्टिन का पुराना रिश्ता रहा है और वो नेताओं के लिए काम करता रहा है। इसलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे या ईडी का डर दिखाकर उससे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाए गए। फिलहाल हमने आपको पूरी कहानी बयां कर दी है जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।